फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मीन्स जैसे ही आपको न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, एंड उसके साथ एक बेल आइकन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा। ओके, लेट अस स्टार्ट। द टुडे लेक्चर इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना। ओके, अब इसके अंदर टर्म क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इवेल्युएट किसको करना, परफॉर्मेंस को, किसकी, एम्प्लॉयज की। परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएशन ऑफ द एम्प्लॉय करंट एंड द पास्ट परफॉर्मेंस इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस अप्रेजल। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल और क्या काम करता है, ये फोकस करता है ऑन द परफॉर्मेंस एंड द फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयज। एंड अर्लियर परफॉर्मेंस अप्रेजल इज नोन एज मेरिट रेटिंग, मैन रेटिंग एंड द रेटिंग स्कोर। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए वाइडर टर्म देन द मेरिट रेटिंग। एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल इज द सिस्टमेटिक, पीरियोडिक एंड द इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एक्सीलेंस इन द मैटर पर्टेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड हिज पोटेंशियल फॉर ए बेटर जॉब। मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन है, एम्प्लॉय की जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को बताता है। एंड परफॉर्मेंस रेफर टू डिग्री ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है कि जो हमने टास्क को डिग्री ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, जो हमने टास्क अचीव किए हैं, इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस। ओके, एंड इट इंडिकेट्स हाउ वेल एन इंडिविजुअल इज फुलफिलिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय इन द वर्क प्लेस, इवेल्युएटिंग द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द जॉब्स इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट। ओके, मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या करता है, फोकस करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के ऊपर एंड फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय इज ऑल्सो कंसिडर। एंड मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, फर्स्ट इज द कंपनसेशन, सेकेंड इज प्रमोशन, नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आफ्टर दैट ट्रांसफर, फीडबैक एंड द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट पॉइंट इज द कंपनसेशन। कंपनसेशन के अंडर क्या होगा कि एम्प्लॉय परफॉर्मिंग एट और अबव एक्सपेक्टेड लेवल टू कंपनसेट फॉर द मेरिट। अगर एम्प्लॉय परफॉर्म करते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, तो हम क्या देते हैं, उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं उसकी इस मेरिट के लिए। आफ्टर दैट प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या होगा कि पर्सन डूइंग बेस्ट जॉब रिवॉर्ड द प्रमोशन। अगर पर्सन अच्छी जॉब कर रहा है तो उसको हम रिवॉर्ड के लिए क्या देंगे, प्रमोशन। आफ्टर दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होगा कि वो हेल्प करता है एम्प्लॉय को क्या करने में, इम्प्रूव करने में स्किल्स को। एंड ट्रांसफर, ट्रांसफर कब की जाती है, अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इज कॉल्ड द ट्रांसफर एंड द डिमोशन। आफ्टर दैट फीडबैक। परफॉर्मेंस अप्रेजल सी हाउ वेल ही इज डूइंग द जॉब। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। लास्ट इज द सेल्फ इम्प्रूवमेंट। डिस्कशन बिटवीन सीनियर एंड द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज आउटपुट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सेल्फ इम्पॉर्टेंट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल। आफ्टर दैट द क्वेश्चन अराइजेज इज द Who will do the performance appraisal? Appraiser or evaluator can be a person who has the complete knowledge about the job content. He should prepare report and make judgment without any bias. Means appraiser or evaluator एक ऐसा person होता है जिसको job की पूरी information होती है। After that वो एक report prepare करता है बिना किसी bias के और judgment लेता है। Okay? अप्रेजर कौन होता है, जिसको पूरी की पूरी कंप्लीट नॉलेज होती है अबाउट द जॉब एंड ही शुड प्रिपेयर ए रिपोर्ट एंड मेक जजमेंट विदाउट एनी बायस। आफ्टर दैट हु विल डू द परफॉर्मेंस अप्रेजर, फर्स्ट इज द सुपरवाइजर। सुपरवाइजर इज सीनियर, बॉस, डिपार्टमेंटल हेड एंड लाइन मैनेजर।
पीयर्स, कंसल्टेंट, यूजर्स ऑफ द सर्विस, सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट मीन्स में क्या आ जाएगा कि अप्रेजल इज डन इन द एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द एमएनसीज, यानी एंड इसके अंदर आप क्या ले सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कि जो टीचर है वो इवेल्युएटेड बाय द स्टूडेंट्स. एंड एमएनसीज में क्या देखोगे कि रिलेशन कैसा है बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट्स. एंड द सेल्फ अप्रेजल इंक्लूडेड इफ इंडिविजुअल अंडरस्टैंड देयर एक्सपेक्टेशन रिस्पॉन्डिंग दे आर इन द बेस्ट पोजिशन टू अप्रेज देयर परफॉर्मेंस. सच एम्प्लॉयज आर हाईली मोटिवेटेड. प्रोसेस ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. फर्स्ट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करेंगे. परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होता है कि टू इवेल्युएट द वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, हाउ वेल ईच फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेक्टेशन. मीन्स हाउ वेल ईच फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म, कैसे हर एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि वो उसके एक्सपेक्टेशन को मीट करने के लिए. ओके, देर आर द टू टाइप्स ऑफ द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. फर्स्ट इज द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड देन द क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स. क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या होगा, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आर द मेजरेबल स्टैंडर्ड्स एंड इसके अंदर हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. एंड क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द कंपैरिजन इज डिफिकल्ट. एंड इन द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड के अंदर क्या होगा कि दिस इज वेरी इजी. एंड क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा कि जो मेजरमेंट है परफॉर्मेंस एंड कंपैरिजन वो क्या होगा, डिफिकल्ट होगा. आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट इज द कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड. पहले तो हम क्या करेंगे कि परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे स्टैंडर्ड को, यानी मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड टू ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर दैट जब हम कम्युनिकेट कर लेंगे स्टैंडर्ड्स को, उसके बाद हम डायरेक्शन देंगे टू द एम्प्लॉय, गिवन डायरेक्शन टू एम्प्लॉय परफॉर्मेंस. आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज द मेजरिंग द परफॉर्मेंस. पहले हमने स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश कर लिए, उसके बाद कम्युनिकेट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को कि एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी क्या है, उसको हम मेजर करेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस मोर देन द डिजायर परफॉर्मेंस देन द पॉजिटिव डेविएशन, एंड इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन द डिजायर परफॉर्मेंस देन वी फाउंड द नेगेटिव डेविएशन. आफ्टर दैट डिस्कसिंग द रिजल्ट मीन्स फीडबैक इज प्रोवाइडेड. एंड लास्ट स्टेप इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन एंड मीन्स डिसीजन इज टेकिंग. अगेन मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्या क्या इसका प्रोसेस रहेगा. फर्स्टली हम इस्टेब्लिश करेंगे स्टैंडर्ड्स को, उसके बाद हम कम्युनिकेट द स्टैंडर्ड, आफ्टर दैट मेजरिंग द परफॉर्मेंस, देन कंपैरिजन बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, आफ्टर दैट डिस्कसिंग द रिजल्ट, फीडबैक, एंड देन टेकिंग द करेक्टिव एक्शन. मेथड्स ऑफ द परफॉर्मेंस अप्रेजल. There are the two types of the method. First is the traditional method and second is the modern method. Traditional method को हम बोलते हैं individual evaluation technique and second is the multi-person evaluation technique. Firstly हम discuss करते हैं individual evaluation technique and the traditional method. इसके अंदर point है, first is the confidential report. Confidential report mostly used होती है government institution के अंदर और ये प्रिपेयर की जाती है बाय द इमीडिएट सुपीरियर और सीनियर्स. इसके अंदर हम कवर करते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेस, अचीवमेंट, फेलियर, अचीवमेंट एंड द फेलियर ऑफ अ एम्प्लॉय. और ये यूज किसके लिए होता है, फॉर द प्रमोशन एंड ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय. ओके, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अंदर मेनली हम क्या क्या देखते हैं, एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसकी अचीवमेंट एंड उसका फेलियर. एंड ये किस लिए यूज होती है मेनली, ये रिपोर्ट प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए. और ये कहाँ यूज की जाती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर. सेकेंड इज द फ्री फॉर्म एंड द एसे मेथड. इसके अंदर हम शॉर्ट एसे लिखते हैं एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में
ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल इम्प्रेशन। नेक्स्ट इज द क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है कि मैनेजर प्रिपेयर करता है ए लिस्ट ऑफ इवेंट विच आर क्रिटिकल, रिप्रेजेंट द आउटस्टैंडिंग और पुअर बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय ऑन द जॉब। चेकलिस्ट के अंदर क्या होगा कि इवेल्युएट द परफॉर्मेंस टू बी गुड और बैड और मॉडरेट। एंड नेक्स्ट इज द ग्राफिक रेटिंग स्केल। इसके अंदर हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करते हैं नीटली ऑन द ग्राफ। एंड नेक्स्ट इज द फोर्स चॉइस मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि टू द रेटर टू सिलेक्ट द टू द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है इसके अंदर, एंड इन ईच पेयर ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्लॉय बींग बी इवेल्युएटेड। और हर एक पेयर के अंदर जो स्टेटमेंट होती है उसको हम इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट इज द BERS मीन्स बिहेवियर एनकोड रेटिंग स्केल्स। इसके अंदर क्या है कि हम रेट ऑन द बिहेवियर टू डिटरमाइन द परफॉर्मेंस हम कैसे देते हैं। अगर इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस है तो हम 1 रेटिंग दे देंगे, एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस है तो हम 7, 9, 8 इसके अकॉर्डिंग हम रेटिंग देंगे। दिस इज द बिहेवियर एनकोड रेटिंग स्केल। नेक्स्ट इज द मल्टी पर्सन इवेल्युएशन टेक्निक एंड द मॉडर्न मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि 1 एम्प्लॉई इज इवेल्युएटेड इन कंपैरिजन टू द अनदर। एंड मेथड्स आर फर्स्ट इज द रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड में क्या कैसे करेंगे कि हम एम्प्लॉयज को रैंक दे देंगे हाईएस्ट टू लोएस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द ओवरऑल परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज द कंपैरिजन, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसके अंदर हम क्या होगा कि हर एक वर्कर इज कंपेयर विद ऑल अदर एम्प्लॉय इन द ग्रुप, एंड दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन द स्मॉल ग्रुप। एंड द फॉर्मूला यूज्ड इफ देर आर द एन एम्प्लॉय देन एन इंटू एन माइनस टू कंपेरिजन आर मेड। नेक्स्ट इज द MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है कि जो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जॉइंटली आइडेंटिफाई इट्स कॉमन गोल्स एंड डिस्कस द KRA की रिजल्ट एरिया एंड मीट द टारगेट म्यूचुअली एट द एंड ऑफ द 6 month और ए ईयर। एंड जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है वो डेवलप किया गया है बाय द पीटर एफ ड्रकर इन 1954। एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के नेम है मैनेजमेंट बाय रिजल्ट, सेल्फ कंट्रोल, वर्क प्लानिंग एंड रिव्यू एंड गोल सेटिंग अप्रोच टू द अप्रेजर। एंड नेक्स्ट इज द फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड के अंदर क्या होता है कि जो एक ट्रेंड HR का जो ट्रेंड रिप्रेजेंटेटिव होता है वो फील्ड के अंदर जाता है, एंड उसके बाद जो स्पेशलिस्ट हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं सुपरवाइजर को कि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे को प्रोवाइड करो अबाउट द एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। नेक्स्ट इज द फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंदर क्या होगा कि हम रैंक देते हैं 10% और 20% को हाईएस्ट परफॉर्मेंस का एंड 70 एंड 80 को मिडिल परफॉर्मेंस का एंड रेस्ट को लो परफॉर्मेंस का। प्रॉब्लम्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। फर्स्ट इज द जजमेंटल एरर, एरर इन रेटिंग। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉलेज एंड रिलायबिलिटी। एंड नेक्स्ट इज इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। नेक्स्ट नेगेटिव अप्रोच एंड द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। जजमेंटल एरर के अंदर क्या क्या आ सकता है, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि हम एम्प्लॉयर्स को जो रेटिंग देते हैं उसके जो पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रेटिंग देते हैं हाई और लो। ओके, एंड नेक्स्ट इज द स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग के अंदर क्या होता है कि जो बिहेवियर है एक पर्सन का हम उसकी मेंटल जो पिक्चर है वो सेट कर लेते हैं माइंड के अंदर। नेक्स्ट इज द हॉरन इफेक्ट। हॉरन इफेक्ट के अंदर क्या होगा कि ही इज बिंग रेटिंग हार्शली फॉर हिज वन नेगेटिव क्वालिटी, मतलब उसको हम स्ट्रॉन्गली एक नेगेटिव क्वालिटी के बेस पे ही हम जज कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो द जजमेंटल एरर। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड सेंट्रल टेंडेंसी। इसके अंदर हम क्या होगा कि हर एक एम्प्लॉय को हम एवरेज रेटिंग ही देते हैं टू असाइन द एवरेज रेटिंग टू ऑल द एम्प्लॉय। एंड नेक्स्ट इज द रिसेंसी इफेक्ट, मीन्स जो एम्प्लॉय को रेटिंग दी जाती है उसके रिसेंट इंसिडेंट के बेस पे रेटिंग दी जाती है। दिस इज ऑल्सो द जजमेंटल एरर। नेक्स्ट इज द लीनियंसी, मतलब ये इसके अंदर जो रेट होती है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉय के मूड के ऊपर। एंड कई बार तो हम उसको बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं और कई बार बिल्कुल लीनियंटली स्ट्रिक्टली मतलब
मीन्स अगर जैसे हमने एक टेस्ट दिया, टेस्ट के अंदर हमने 10 में से हमने सोचा कि इसको 8 दे देते हैं या 9 दे देते हैं, अगर हम स्ट्रिक्टली मार्किंग कर रहे हैं तो 10 में से हमने उसको 8 दे दिया, और लीनियंटली चेक कर रहे हैं तो 10 में से 9 प्रोवाइड कर दिया। आफ्टर दैट लास्ट इज द फर्स्ट इंप्रेशन। कई बार हम एम्प्लॉयज को जज करते हैं प्राइमरी इफेक्ट के बेसिस पे, दिस इज ऑल्सो द जजमेंटल एरर एंड द एरर इन द रेटिंग। दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस अप्रेजर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू सी माई नोट्स देन प्लीज सी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सॉरी, थैंक यू। Thank you.